भारतीय जनता पार्टी महानगर की ओर से सभी पार्टी पदाधिकारी महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में चौधरी चरण सिंह चौक पर एकत्रित हुए। सभी ने माननीय चौधरी चरण सिंह जी को फूल मालाएं पहनाकर नमन किया। राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हम सभी को अपने महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए, तो वहीं नगर विधायक रितेश गुप्ता ने भी कहा कि देश में महापुरुषों के प्रति श्रद्धा भाव रखना जरूरी है। भाजपा सभी का सम्मान करती है और नमन करती है। तो वहीं महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता ने कहा कि भाजपा की सरकार में दिन प्रतिदिन महापुरुषों का सम्मान कर एक संदेश देना है। सभी महापुरुषों ने देश को एक नई दिशा दी है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी महापुरुषों का सम्मान करना चाहती है और ये ही सभी का उद्देश्य भी होना चाहिए। कार्यक्रम में पंचायत राज और लोक निर्माण मंत्री भूपेंद्र चौधरी, नगर विधायक रितेश गुप्ता, MLC डॉक्टर जयपाल सिंह वत्स, महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता, महानगर महामंत्री गिरीश वर्मा, नथुराम कश्यप, महानगर महामंत्री वीरपाल सिंह चौहान, महानगर महामंत्री राहुल शर्मा, संजय शर्मा, अशोक गावा, संजीव आनंद, KP सैनी, अमित शर्मा, अरविंद सिंह, नवदीप टंडन, शम्मी भटनागर, आलोक सैनी, सर्वेश सिंह, विशाल सिंह, गोलू, कपिल देव, हीरा भारती, शक्ति शर्मा, डिंपल सिंह अश्क, राजेश गुप्ता, मिथुन शर्मा, अश्वनी शर्मा आदि के साथ और भी बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र में किसानों के एक मसीहा के रूप में कार्य किया है कि उन्होंने जो योगदान पूरे किसान समाज को और राजनीति में मूल्यों की स्थापना के लिए जो योगदान दिया है उसका आज सभी स्मरण कर रहे हैं। उन्हें माल्यार्पण के माध्यम से पुष्प अर्पित करके उनको हम नमन कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व से सभी को सीख लेनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह जैसा किसानों का एक ऐसा नेता जिसने पूरी जिंदगी किसानों के उन्नयन के लिए, उत्थान के लिए, खेती के लिए, खलिहानों के लिए, सबकी तरक्की कैसे हो सकती है, वो ये मान करके चलते थे कि 70% से ज़्यादा इस देश में और राज्य में किसानों की तादाद है। किसान हमारा समृद्ध होगा तो राज्य भी समृद्ध होगा और राष्ट्र भी समृद्ध होगा। आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया। किसानों के मसीहा थे, जिनको आज भी किसान मसीहा के रूप में पूजते हैं और इन्होंने किसानों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, जो कि केंद्र में भी मंत्री रहे, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे। ऐसे चौधरी चरण सिंह जी हमारे नेता रहे जो नीचे ज़मीनों तक जुड़े रहे, जिन्हें के आज भी हम बड़े धूमधाम से सब किसान लोग, सब भाई पार्टी सब उनका जन्मदिन मनाती है और आगे भी मनाती रहेगी। उनकी जो योजनाएं थी जो किसानों के लिए उन्होंने करा, वो हम सब लोग उन्हीं के आदर्शों से चलने का कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे।